गाइस ये देखिए यहाँ की सुबेरी के मॉर्निंग मुक्तेश्वर की। आज 15 अगस्त है तो आप देख रहे होंगे देशभक्ति के भी गीत बज रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे हैं, सुबेरे उठ चुके हैं, ये ब्रेकफास्ट की चाय आ चुकी है, हमारे अमित जी चाय पी रहे हैं और बस अब तैयारी कर रहे हैं जल्दी से ही निकलने की, क्योंकि अब आके निकलना है हम लोग को। और जैसे हमने बताया था कि आपको मुक्तेश्वर के बारे में बताएंगे और दिखाएंगे, तो हम आपसे बस यही चाहेंगे कि आप इसी तरह हमारे साथ जो है और हमारे चैनल बोमोसी 360 ब्लॉग को जो है लाइक करते रहिए। तो हम अपनी यात्रा बस अब यहीं से शुरू कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि बस आप लोग भी जो है अब हमारे आज के दिन के व्यू के लिए और जो भी हमने शेड्यूल आपके लिए कराया उसके लिए तैयार हो जाइए। तो एक बार फिर से हम अब यहाँ पे चल रहे हैं और अपने ऐसे सफ़र को यहीं से शुरू कर रहे हैं। तो आइए अब हम चलते हैं आगे के सफ़र की ओर और अब हम होटल से कूच करने की तैयारी में हैं। अभी हम आगे और इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो देखिए अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, ये हमारा होटल था जो हमने आपको दिखाया था। अब हम यहाँ से कूच कर रहे हैं यहाँ पे और अब आगे हम आपको दिखाएंगे और अपनी जो है ब्लॉग की शुरुआत करेंगे। तो चलिए आइए चलते हैं। आ रहा मुझे आ रहा ठीक है, आ जा बेटा, चेक कर लो रूम। आओ चलने की तैयारी करते हैं अमित जी हैं। चलिए आओ गाड़ी पे चल। चलिए देखिए भाई जिस होटल में हम यहाँ रुके हुए भाई, बहुत ही शानदार ये होटल है, बहुत ही शानदार यहाँ से व्यू है। हम आपसे सबसे ये कहेंगे, बाकी तो हमने अपने पोस्ट में डाल रखा है होटल के बारे में, तो आप लोग जब भी आइए यहाँ ज़रूर रुकिए और यहाँ से पूरे मुक्तेश्वर का यहाँ का लुत्फ़ उठाइए, क्योंकि मुक्तेश्वर की दूरी यहाँ से मुश्किल से 4 किलोमीटर है, 4 से 5। अब हम लोग यहाँ के लिए निकल रहे हैं और जो हमारे यहाँ पे होटल के ऑनर हैं वो भी सर जी भी यहाँ छत पे ही हैं। उन्होंने हमें बुलाया कहा भैया पर आइए यहाँ पे देखिए, वो देखिए वो खड़े हैं, ये यहाँ के होटल के ऑनर हैं। आप लोग जब भी आइए इनसे मिलिए, इनका नेचर भी बहुत अच्छा है, हर एक चीज़ इन्होंने हम लोग को प्रोवाइड कराई, कोई भी दिक्कत नहीं। और सबसे बढ़िया है यहाँ ये है कि रूम बहुत अच्छे हैं, नीट एंड क्लीन और एकदम साफ़ सुथरा, सर्विस भी इनकी बहुत अच्छी है। तो हमें तो बहुत अच्छा लगा, बस हम ज़रूर आइए और यहाँ पे आके जो है विजिट कीजिए, देखिए घूमिए। अंकल यहाँ पे जो बर्फ़ कब पड़ती है? अच्छा पड़ती है, तो देखिए इन्होंने बताया कि दिसंबर जनवरी में यहाँ बर्फ़ भी पड़ती है, तो आइए और बर्फ़ का पूरा लुत्फ़ उठाइए। बाकी हमने नंबर इनका उस पर डिस्प्ले पे डाल रखा है और जब भी आइए रुकिए देखिए और पूरा मज़ा उठिए, क्योंकि ये हमारे सर भी जो हैं लखनऊ के हैं, इसलिए हम ख़ास तौर से ढूंढ के यहाँ पर आए हैं। और भी कई लोग नवंबर में आने का यहाँ है, तो हमने कहा सबसे पहले हम विजिट करके आते हैं। उनको भी हमने रात में दिखाया, रूम के बारे में बताया, उन्हें भी बड़ा अच्छा लगा। तो सर हमें बड़ी खुशी मिली आपसे मिलके और हम ज़रूर आएंगे फिर से, ठीक है अंकल? देखिए हमारे साथ हैं, चलिए चलते हैं अंकल। ओके ये देखिए हमारे बच्चों का 15 अगस्त, देखिए भाई बड़ा मज़ा आ गया भाई, हम लोग तो लखनऊ से देखने के लिए 15 अगस्त क्या है, माता की बहुत माता की। देखिए ये छोटे छोटे नन्हे देखिए किस तरह से ये 15 अगस्त को सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए भाई हमें इन पर गर्व होना चाहिए, देखिए ये हमें इन पर गर्व होना चाहिए। चलिए चलिए हमने अपना अपना पड़ाव का सफ़र इसी 15 अगस्त से सुबह शुरू कर दिया है और हम लोग जो है मुक्तेश्वर की ओर अब बढ़ रहे हैं। चलिए हम आगे और आपको दिखाएंगे और बताएंगे, क्योंकि आज मौसम बड़ा लाजवाब है। ये देखिए भाई कितना जुनून है यहाँ पे 15 अगस्त के दिन, आज के दिन भैया वाकई में पहाड़ों में भी एक अलग लोग फेस्टिवल के रूप में से मना रहे हैं, देखिए किस तरह से